तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे ऐसा नहीं है कि 2023 में हमें एक्शन मूवीज की कोई कमी देखने को मिली है। बॉलीवुड ने जहां हमें एक से बढ़कर एक एक्शन मूवीज दी है, तो साउथ इंडस्ट्री ने भी पीछे नहीं हटे हैं। इट मीन्स ये कि साउथ इंडस्ट्री ने भी कमाग नहीं मोती है, साउथ इंडस्ट्री ने भी जमकर बहती गंगा में हाथ धोया है। साउथ इंडस्ट्री से अगर मैं देखूँ, आपको बताऊँ, तो लियो जो अभी चल रही है करंट में, दमदार एक्शन मूवी है। रजनीकांत की जेलर मूवी आई, ऑसम मूवी। उधर सुपरस्टार नानी की दशहरा मूवी आई, उसने भी आग फाड़ के गई है। तो भाई साहब, एक्शन के जो वेरिएशंस हमें इस बार देखने को मिले हैं, ब्लडीनेस, रस्टीनेस, टेक्निकल, स्पाई यूनिवर्स, तो ढेर सारा एक्शन हमें देखने को मिला है। गैंगस्टर गैंग वॉर देखने को मिला है, उसके बाद हमें रस्टी सिंगल कॉम्बैट वाला फाइट एक्शन हमें देखने को मिला है। मतलब ब्लड खून खराब है कि इस बार कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी सालार के लिए जो पागलपन चल रहा है, जो वेट चल रहा है लोगों की तरफ से, फैंस जबरदस्त तरीके से उसका वेट कर रहे हैं सालार मूवी के लिए। भाई सब दिल से बोल रहा हूँ, प्रभास ने ये प्यार कमाया है लोगों के दिल से, प्यार कमाया है। देखो, अगर उनकी प्रीवियस मूवी अगर ले लें, तो पिछली 3-4 मूवी बाहुबली की 2 के बाद से प्रभास की कोई फॉर्म सॉलिड नहीं चल रही है। आदि पुरुष जो अभी करके आई है, महागंदी मूवी, रद्दी मूवी आई है, उससे इतना नाम खराब हुआ इस बंदे का। लेकिन फिर भी भाई साहब, इसके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं है। दूसरा, सालार में ना एक चीज बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। देखो, यश का कैमियो तो होगा, ये तो ट्रिगर कर ही रहा है, लेकिन प्रशांत नील जो केजीएफ के डायरेक्टर थे, वही इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो केजीएफ यूनिवर्स है, वो इसमें सुपर फैबुलस तरीके से फॉरवर्ड होने वाला है, और इसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। मतलब प्रभास और सुपरस्टार यश, इन दोनों का कॉम्बो देखना चाह रहे हैं। और भाई साहब, डायनासोर जो फटने वाला है 22 दिसंबर को, वो ना एक्वामैन 2 रोक पाएगा, ना डंकी रोक पाएगा। बाय गॉड, जो इसका पोटेंशियल है, जितनी इसको कमाई करनी है, ये सॉलिड कमाई करके जाने वाली है। तो सालार की तरफ से देखो, उतना अपडेट नहीं निकल रहा है। सालार के मेकर्स मुझे नहीं लग रहा है कि उतने ज़्यादा अपडेट हैं, जितना कि डंकी के मेकर्स अपडेट चल रहे हैं। डंकी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सालार सिर्फ एक ही ट्रेलर लाने वाला है। पहले सुनने में आ रहा था कि 2 ट्रेलर आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही ट्रेलर आने वाला है। लेकिन हाँ, एक उससे खतरनाक न्यूज़ ये पता चली है कि इससे पहले मूवी रिलीज से पहले 2 सॉन्ग हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो दिवाली के इस फैबुलस मोमेंट पर, जहां बड़े बड़े लोग वेट करते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज वेट करती हैं अपने को रिलीज करने के लिए, अपने को अनाउंस करने के लिए, और यहां पर ये एक अपना पहला सॉन्ग डालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 से 15 नवंबर में हमें कभी भी सालार का फर्स्ट सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, और सुपर फाड़ू सॉन्ग होने वाला है। जो देखो, मूवी को प्रमोशन करने के लिए सिर्फ टीजर या ट्रेलर ही नहीं होते हैं, आप सॉन्ग की मदद से भी बहुत अच्छा प्रमोशन ले सकते हो। लाइक टाइगर 3 अभी हम रिसेंटली देखें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला है, क्योंकि टाइगर 3 ने जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट करी थी, तो इतना उसे हाइप नहीं मिल रहा था, उतना भाव नहीं मिल रहा था। लेकिन जब लेके प्रभु का नाम ये सॉन्ग आया है, जब उसकी बीट ने लोगों के दिल में जगह बनाई, टांग थिरकाई है लोगों की, तब जाके एडवांस बुकिंग की हमें हाई रेंज देखने को मिल रही है। सालार के टाइम पर भी हमें यस फर्स्ट सॉन्ग फाड़ के जाने वाला है, तो सेकंड सॉन्ग कब आएगा? सेकंड सॉन्ग की उम्मीद लगाई जा रही है अराउंड 25 से 30 नवंबर के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। और जो ट्रेलर है, ट्रेलर कब आने वाला है? लगभग 8 से 9 दिसंबर के आसपास, या फिर 10 दिसंबर के आसपास, इन तीनों डेट में से एक डेट में हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। फाइनल ट्रेलर ऑफ सालार, जो कि फाड़ू स्ट्रेटजी है। देखो, अगर ट्रेलर 8 से 9 या फिर 10 तारीख को ही आना है, दिसंबर को आना है, तो सॉन्ग को रिलीज करने का इससे बेटर मोमेंट और कोई नहीं हो सकता। दिवाली फर्स्ट सॉन्ग, देन सेकंड सॉन्ग उसके 12-13 दिन बाद, और उसके 12-13 दिन बाद हमें ट्रेलर, और 10 दिन बाद हमें मूवी देखने को मिल ही जाएगी। तो भाई साहब, दिस इज़ द सॉलिड स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी से काम करते हुए बहुत सी मूवीज़ ने 1000 करोड़ छाप दिए हैं। लाइक जवान की बात कर लें, तो भाई ऑसम है। तो ये स्ट्रेटजी अभी सेट करी जा रही है, फिलहाल के लिए ये न्यूज़ अभी निकल कर आ रही है। तो आप लोग ये पहले सॉन्ग के लिए कितना वेट कर रहे हैं? मतलब सालार से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए तो आप वेट कर ही रहे हैं, लेकिन इस सॉन्ग के लिए कितना वेट कर रहे हैं? दूसरा, ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों के दिल में? नीचे कमेंट बॉक्स और अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। दूसरा, अगर आपको सालार से रिलेटेड और भी कुछ पता है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना अपना एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।